हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए ब्लैक स्पाइडर टॉयज रिमोट कंट्रोल, जिसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा बढ़िया सा रिमोट आएगा इसका, जिसकी मदद से हमें पूरा स्पाइडर को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये ब्लैक कलर का स्पाइडर आएगा और इसमें लाइटिंग और म्यूजिक दोनों आएगा। और आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये फंक्शन आएगा, जिसमें रिमोट कैसे कितने सेल रिमोट में आएंगे और स्पाइडर में कितने सेल आएंगे और कैसे बैटरी वर्क करती है और कितने पावर की बैटरी यूज होती है, ये पूरा का पूरा फंक्शन पीछे गया हुआ है। आप पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, हम पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे इसका। दोस्तों ये आ गया हमारा स्पाइडर, इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, देख सकते हो ब्लैक स्पाइडर, जिसमें छोटा सा रिमोट आएगा। इसका लॉक पीछे दिया हुआ है, इसका लॉक हम ओपन कर देंगे। रेड कलर की दो आँख आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। यहाँ से पानी पीछे डालोगे यहाँ तो यहाँ से ये स्प्रे होगा, ये स्प्रे स्पाइडर भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ लाइटिंग होगी और इसमें म्यूजिक भी आता है। आप देख सकते हो यहाँ से हम सेल डाल सकते हो। तो दोस्तों हम इस यहाँ पे सेल डालेंगे, इसको हम ओपन करेंगे बोल को। टाइम लग रहा है कि ज़्यादा अंदर है। यहाँ पे तीन सेल हम डालेंगे। ओके, फिर इसको हम फिर से बंद कर देंगे। दोस्तों यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर हम वाटर फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हम वाटर फिल करने का इसमें साथ दिया गया है। यहाँ इसमें हमने वाटर ले लिया और यहाँ हम फिल कर सकते हैं। देखें यहाँ हमने वाटर फिल कर दिया और बाद में हमने इसको बंद कर दिया ताकि हम वाटर का सही तरह से यूज़ कर पाए। दोस्तों यहाँ इसके साथ छोटा सा बढ़िया सा रिमोट है। यहाँ हम घर पर देख सकते हो टीवी के साथ जो छोटा रिमोट आता है उससे भी छोटा रिमोट है। यहाँ इसको पकड़ने में भी कितना मज़ा आता है देख सकते हैं आप। ये छोटा सा रिमोट है, यहाँ पे हम बॉल ओपन करेंगे और कौन सा वाला सेल इस पे डालना है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ मुझे लग रहा है दो सेल डालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पीछे आप देख सकते हो हम तो इसमें सेल डाल देंगे, बाद में फिर से इसको बंद कर देंगे ताकि सेल गुम ना हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ कितनी स्विच है, हम बारी बारी स्विच प्रेस करेंगे और क्या वर्क करते हो हम आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ से हम स्पाइडर को ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि हमने स्पाइडर को ऑन कर दिया और इसमें भी हमने रिमोट डाल दिया। रिमोट पे ये यहाँ बीच वाला जो बटन है जहाँ पे म्यूजिक का सिंबल है तो हम उसको प्रेस करेंगे पहले। इसको बारी बारी प्रेस करोगे तो बारी बारी न्यू म्यूजिक आपको सुनाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइटिंग हो रही है
और बाद में हमें दूसरा वाला बटन दबाएंगे, ये वाला। आप देख सकते हो स्पाइडर बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से चल रहा है, और इसके बाद बगल वाला बटन हम प्रेस करेंगे, ये भी पूरा म्यूजिक का है। आप यहाँ रिमोट पे देख सकते हो आगे और पीछे का दोनों बटन है, यहाँ जैसे ही आप आगे का दबोगे तो पूरा आगे जाएगा, ए प्रेस करोगे तो पूरा पीछे आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो दो बटन है वो स्प्रे करेंगे, आप देख सकते हो।